सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री। चलिए बढ़ते हैं हम की तरफ। प्रॉब्लम दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आपको बताना है ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर में एटम्स प्रेजेंट है। ठीक, और इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया है सभी का लिया गया है 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। ठीक, आपको दिया गया यहाँ पर Ag, Mg, O2 और Li। आपको इन चारों में से बताना है, सबका सेम क्वांटिटी लिया गया है और बोला जाता है इसमें कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या या एटम का नंबर इसमें सबसे ज़्यादा होगा। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है अपने को देखते हैं। तो आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या बोल लेते हैं हम, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू एक लेते हैं वेट और उसका लेते हैं मॉलिकुलर मास। ठीक, आपको वेट मतलब कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, क्वेश्चन में दिया गया प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिया गया मास बटे उसका एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास। इस प्रकार से हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल। और एक नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आपको पता होगा एवोगाड्रो नंबर्स भी लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर जिसको हम Na से या N0 से भी डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू आप सबको पता होगा 6.023 × 10³ एटम्स होते हैं। इसमें अगर एटम में बात करें तो इतना एटम एक मोल बराबर होता है। तो आप इन दोनों को, ये जो पहला इक्वेशन हम देख रहे हैं या दूसरा इक्वेशन, ठीक, ये दोनों को अगर कंपेयर करें, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू इतना होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू इतना होता है, तो डब्ल्यू बाई एम इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पर ये डब्ल्यू क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया प्रॉब्लम, और क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम, क्वेश्चन में कितना मास दिया गया है, क्वेश्चन में आपको ये मास दिया गया है जो कि है सेम, मतलब यहाँ पर W को कांस्टेंट कर दिया गया है, W इज इक्वल टू कांस्टेंट, और आपको ये वैल्यू निकालना है। ठीक, तो ये वैल्यू आप कैसे, किस पर डिपेंड करेगा, तो सीधा सीधा डिपेंड करता है Na इज इक्वल टू सॉरी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिकुलर मास, ठीक, या एटॉमिक मास बोल सकते हैं या मॉलिकुलर मास बोला जा सकता है, इसके परपेंडिकुलर सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं अगर m का वैल्यू ज्यादा तो एटम्स का नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम कम प्राप्त होगा। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया प्रॉब्लम 1 ग्राम Ag, ठीक, Ag दिया है, यहाँ पर है 108, दूसरा 1 ग्राम Mg यहाँ पर 24, 1 ग्राम O2 एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पर मॉलिकुलर मास लेना होगा तो आपको 32, और 1 ग्राम Li यहाँ पर दिया गया 7। अब इसमें हम देख रहे हैं आपको क्वेश्चन में बोला गया मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कब होगा, जब m का वैल्यू सबसे कम हो, छोटा से छोटा हो। तो इन चारों में से आप कंपेयर करोगे 1, 2, 3 और ये 4, तो चारों में कम देखते हैं तो सबसे छोटा वैल्यू आपको 7 मिल रहा है, तो 7 के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ Li, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास इन चारों प्रॉब्लम में से कम है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इस रिलेशन से देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राप्त होगा, इसलिए फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम के लिए आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ Li। आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।